नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। देवरिया जिले के मैल थाना क्षेत्र बरठा चौराहे के पास 15 दिसंबर 2022 को हुई दो पक्षों में मारपीट में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इसकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी। मौत के बाद पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दूसरे दिन जब पोस्टमार्टम से शव घर पर आया तो परिवार वालों ने शव को चौराहे पर रखकर रोड अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है, जिसकी वजह से हम लोगों को यह हंगामा करना पड़ा है। सूचना पाते ही बरहत सीओ अंशुमन श्रीवास्तव ने तत्काल मौके पर पहुंचकर तत्काल मुकदमे को तहरीर के अनुसार 7 लोगों पर पंजीकृत करने के लिए कहा और परिवार वालों को आश्वासन दिया, आपके साथ मैं खड़ा हूं और कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें तुरंत फोन करें। और तत्काल मई थाने को आदेश दिया कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जिसमें पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। लगभग 3 घंटे तक जाम लगा रहा और बड़ी मशक्कत के बाद शव को दाह संस्कार के लिए भेजा गया। यहाँ जाम लगा हुआ है, या जाम के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसा जाम लगा हुआ है, इसका निदान में आप क्या कहना चाहते हैं जाम के? देखिए, एक महिला की, बुजुर्ग महिला की एक दुखद मृत्यु हुई और उसके संदर्भ में मुझे सूचना मिली कि उसके शव को यहाँ पर रख दिया गया है और उस शव की वजह से यहाँ जाम लगा। ऐसा लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने उनकी वक्त पर मदद कर दी होती तो ये जाम नहीं लगता, लेकिन मेरे संज्ञान में ये मामला आया नहीं और मेरे संज्ञान में जब तक ये मामला आया तब तक यहाँ जाम लग चुका था। पीड़ित पक्ष से मेरा अनुरोध है कि अगर जो वो ये जाम हटाएगा तो उसकी जो भी मांगे हैं, वैधानिक मांगे, उसकी पूर्ति की जाएगी। सर, ये 24 घंटा हो गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है, इसके संदर्भ में कुछ बताएं? नहीं, मेरी थाना अध्यक्ष महिल साहब से बात हुई है तो वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने FIR लिख दी है और जो भी इसमें संदिग्ध हैं उनको अभी हिरासत में ले लिया गया है। सर, अभी तक कोई परिवार वालों का कहना है कि अभी तक कोई FIR नहीं लिखी गई? अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर SO साहब खड़े थे और जो पीड़ित पक्ष है वो यहीं पे खड़ा था और पीड़ित पक्ष के सामने ही मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने यहाँ पर FIR लिख दी है। और पीड़ित पक्ष को आए समय धमकी मिल रहा है जान से मारने के लिए? नहीं, पीड़ित पक्ष की यदि ऐसी धमकी मिल रही है तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया जाएगा और पीड़ित पक्ष की जो सुरक्षा है वो हमारी प्राथमिकता है। करिए, पहले लेकर के जाइए सदर देवरिया, हम उनको लेकर के चलते हैं कि इनसे सादा कागज पे दस्तखत करा लिए, सादे पन्ने पे आप प्रशासन कराए। आप खुल के बोलिए, हमने हाँ ये किए, ये किए, आपको लिख रहे हैं, दरखास्त भी हमारी नहीं लिखी जा रही है, हमारी दुकान 10,000 का बिल आ रहा है, पड़ा है ना, ठीक है सर, मेरी बात, पूरी बात हमारी सुन लीजिए। तो वही जब ये दस्तखत कर दिए तो ये कहे कि ठीक है आप आइए, रिश्तेदार है आप आइए, FIR हो जाए। फिर रात को इनसे जब बात हुआ तो ये कहे कि सुबह हम कर देंगे, तो ये देवरिया से रख करके ये आए, गए थाने पर, ये कहे कि आप जाओ पहले पोस्टमार्टम करा लो। पोस्टमार्टम कराने के बाद ये कर जब आए हैं तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब ये धरने पे बैठे हैं तो अब सही है कि गलत है ये हम नहीं जानते हैं, दो कह रहे हैं कि 2 लोगों को पकड़, और उसके बाद सर 24 घंटा बीत गया। जी, जब भी कभी ऐसा हुआ करे, जैसे मान लीजिए आपका थाना बात नहीं सुन रहा है, जी सर, आप मुझे कॉल कर, मेरा नंबर पर सबके पास है, मौका नहीं मिला सर, नहीं मौका मिला। फोन कर ये बताइए सर, मेरे पास आने की नहीं जरूरत है, मैं खुद चला आऊंगा। इनकी 3 बच्चियां हैं छोटी छोटी, भागलपुर पे बच्चा डूब गया था, मैं खड़े होकर वहाँ काम कराया, 2 दिन लगातार खड़े काम कराया। देखिए, जैसे आपकी समस्या का समाधान बात करिए तो होगा, मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आपकी कोई भी समस्या है, जैसे मान लीजिए अभी SO साहब कह रहे हैं कि उन्होंने मुकदमा लिख दिया, अब क्या डिमांड है ये बताइए। ये बताइए, 24 घंटा बीत गया, एक मिनट, 2 मिनट में सब कुछ हो गया, ये धरने पे बैठे तो नहीं, सब कुछ नहीं, नहीं सर, आप मुझे कॉल किए होते नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रथम प्राथमिकता ये है, अगर डायरेक्ट आप हर जगह नहीं जा सकते हैं सर, आऊंगा, थाना ये है, थाना इसीलिए बनाया है, मेल मेरी 4 थानों में पहली प्राथमिकता है, ठीक है सर, आप जान रहे हैं, ठीक है, जब
ये बात आपको पता होगी। आपके पास कॉल किया गया, मेरी प्राथमिकता क्यों, ये बताइए सर। पहली लगता है सर, पहली पावदान पे हम चढ़ेंगे कि डायरेक्ट चौथे पावदान पे जाएंगे? नहीं सुनवाई हुई तो नहीं सुनवाई हुई तो आपके पास कॉल किया गया? आज जब बैठ के तब कॉल किया ना। आपको तो ये दिन भर देवरिया थे तो क्या करें, ये अकेले हैं, चार बच्चे, तीन छोटी छोटी बच्चियां हैं, सब्जी की दुकान चलाते हैं। एक मिनट में बात सुन लीजिए भाई साहब, ठीक है सर। अगर किसी की मृत्यु हो गई है उसकी जगह यहाँ नहीं है रोड पे, आपकी बात सुनी जाती, रोड रखनी जरूरत नहीं थी। अगर 24 घंटे के अंदर सुन गई होती तो ये नौबत नहीं। मेरी बात का आप थोड़ा सा मान रख लीजिए। एकदम रखेंगे सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साहब ने सब काम कर दिया है ना, आपने कहा कि